ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं विनर बस के अंदर में हूं दोस्तों, और इस बस का वीडियो काफी दिनों से मैं करना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था दोस्तों, ऐसा संयोग नहीं हो पा रहा था। काफी दिनों के बाद दोस्तों ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। इस बस में क्या क्या आपको मिलती है फैसिलिटीज, तो आपको इस वीडियो के जरिए से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर से देखिएगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं और बहुत मेहनत लगता है, और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बस के ओनर को और इस बस के जो स्टाफ है उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया, इसी वजह से दोस्तों ये वीडियो हो पा रहा है, इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा ताकि और भी अलग अलग जगह का वीडियो भी मैं बना सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले इस बस की ड्राइवर केबिन को देख लीजिएगा, और इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से मिलती है अंदर से शीशक से। उसके बाद दोस्तों इस साइड में देखिए कटन, उसके बाद स्विच, उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल वॉच मिल जाती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक फैन मिल जाती है दोस्तों, और ये ड्राइवर केबिन में है ये सारा कुछ जितना दिखा रहा हूँ। तो अब दिखा रहा हूँ ये स्टेयरिंग, और यहाँ से ड्राइवर इस गाड़ी को चलाते हैं। उसके बाद ड्राइवर केबिन में यहाँ पे एक मेडिकल किट मिल जाती है दोस्तों, और इस तरह से पूरा राउंड व्यू में आपको दिखा रहा हूँ ड्राइवर केबिन का एक शॉर्ट व्यू। दोस्तों इस बस के अंदर की सिनेमेटिक शॉट को दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस बस की सीट को, और इस बस की सीट को आप पहले देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है सीट। दोस्तों हर सीट के ऊपर में कवर चढ़ा हुआ मिलेगी, और इस बस की यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिलेगी उसमें दोस्तों। दोस्तों अगर आप सीट बुकिंग करते हो तो सीट बुकिंग करने के बाद आपको जो फैसिलिटीज मिलेगा दोस्तों, ये आपको पुशबैक वाली सीट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसका फ्रंट साइड का अगर देखें तो यहाँ पे पकड़ने के लिए ये दिया गया है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हैंग करने के लिए दिया गया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोतल रखने के लिए होल्डर दिया गया है, हर एक सीट के पीछे आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा डस्टबिन, तो डस्टबिन यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। उसके बाद ये पैर रखने के लिए देखिए ये मूविंग वाली है दोस्तों, ये सीट का नंबर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइट इसमें जलेगी दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि रीडिंग लाइट, एसी बैंड, यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यूएसबी पॉइंट यहाँ पे दिया गया, ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाती है। तो चलिए अभी मैं आपको इस बस की स्लीपर का दिखा देता हूँ, सीट को तो दिखा दिया हूँ और सीट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं स्लीपर की बारी है, और स्लीपर इसमें आपको कैसे मिलती है। दोस्तों इसमें स्लीपर आपको वन बाय वन का स्लीपर मिलती है, लेकिन दोस्तों इस बस की स्लीपर में आपको यहाँ पे तकिया मिल जाती है, और काफी बढ़िया वाली तकिया है ये देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों दोनों साइड में कटन मिलती है, और जैसा हर एक बस में मिलती है वैसे ही मिलती है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिएगा ऊपर में जो आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, और बेडशीट बिछा हुआ आपको मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद इस साइड में भी कटन है, ये दो कटन है, इसको आप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कंबल मिल जाती है दोस्तों, कंबल भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे पानी बोतल रखने के लिए या तो शू रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका चौड़ाई को आप देख लीजिएगा दोस्तों, चौड़ाई भी काफ़ी अच्छा है, सिंगल के लिए तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों इस बस में 2x2 का सीट मिल जाती है, और 1x1 का स्लीपर मिल जाते हैं, जिसमें आपको तकिया, बेडशीट और
कंबल भी आपको मिलती है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो इस बस की, और वो भी इस बस की साइट से में जाके आप ऑनलाइन अगर बुकिंग करते हो, तो दोस्तों आपको उसमें 10% की दोस्तों आपको उसमें डिस्काउंट मिलती है। तो आप उस उनके साइट में आप जाके बुकिंग कर सकते हो अगर आपको सफ़र करना है तो। बस बाकी दोस्तों बस तो न्यू है, काफ़ी बढ़िया है, इसका अंदर की कंडीशन काफ़ी मस्त है दोस्तों। बस को तो मैं पूरा दिखा दिया हूँ दोस्तों, अब बारी है दोस्तों इस बस के बारे में कुछ जानकारी लेने की, क्योंकि दोस्तों बस के सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर चुके हैं। इस बस के टाइमिंग और इस बस के फेयर सारे डिटेल और भी क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं वो सारे डिटेल में दोस्तों इस बस के स्टाफ से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बस के जो स्टाफ है वो जुड़ने वाले हैं, तो चलिए आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ, स्वागत करते हैं। तो सर इस वेनर बस के बारे में बताइए, ये वेनर बस राउरकेला से कितना बजे खुलती है और भुवनेश्वर कितना बजे पहुंचती है, उसके बारे में जरा डिटेल में दीजिए। गाड़ी 2 नंबर से 9:20 में छोड़ती है, भुवनेश्वर 5:30 में पहुंचती है। भुवनेश्वर से कितना बजे खुलती है और राउरकेला कितना बजे पहुंचती है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। भुवनेश्वर से 9 बजे छोड़ती है, कटक 9:45 में पहुँचती है, कटक में 10:05 में छूटती है, अच्छा राउरकेला 2 नंबर 5:30 में पहुँचती है। 5:30 में पहुँच जाती है। और सर ये कौन सी रूट होके जाती है उसके बारे में बताइए। राउरकेला से मतलब फर्टिलाइजर, बारकोट, पालोड़ा, खमार, पितिर होके ढेंकानाल होके गाड़ी कटक सीढ़ी होके कटक, हाँ इसके बाद भुवनेश्वर पहुँचती है। अच्छा, और सर ये विनर बस से डेली सर्विस है कि एक दिन छोड़ के एक दिन? नहीं डेली सर्विस, डेली सर्विस है। अच्छा, और सर इस बस में कितना सीट और कितना स्लीपर इसमें मिलती है? गाड़ी में 41 सीट है, ओके स्लीपर 10 है। अच्छा, एक स्लीपर स्टाफ खुले रहता है जी, 9 स्लीपर गाड़ियाँ। ओके सर, इस बस में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है पैसेंजर को? गाड़ी फुली एसी बस है, एसी स्लीपर बस है, गाड़ी में मोबाइल चार्जिंग है, और स्लीपर में हम तकिया देते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, और इसके बाद गाड़ी में पानी का बोतल दिया जाता है, अच्छा चाय भी दिया जाता है जो कि कोई भी गाड़ी में नहीं देते। अच्छा अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कही सर, क्योंकि आज तक मैं जितना भी वीडियो कर चुका हूँ फ्रेंड्स, मैं जितना भी वीडियो कर चुका हूँ वो दोस्तों किसी भी गाड़ी में चाय नहीं दिया जाता है, लेकिन दोस्तों पहली बार अभी जो जैसे सर ने बताया कि इस बस में दोस्तों चाय भी दिया जाता है पैसेंजर्स को, तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि सफर के टाइम में अगर रात को एक चाय मिल जाए तो दोस्तों काफी उसका जो सुकून है ना, जो पीता है उनको ही पता चलता है, क्योंकि दोस्तों मैं ट्रैवल कर चुका हूँ आपको पता है। गाड़ी में कोई जाती नहीं आता है, मतलब घर, आप जैसे घर में सोते हैं इस तरह लगता है कि आप घर में सो के जाते हैं। अच्छा जी, जैसे कि एयर सस्पेंशन लगा हुआ रहता है वो उस, अच्छा जी, मतलब बैलून गाड़ी है। ओके ओके, हाई कंफर्ट गाड़ी है, हाँ मतलब वॉल्वो टाइप का जैसा गाड़ी है। ओके, इसमें आप जहाँ भी बैठ सकते हैं, कुछ नहीं आता। जी जी, और सर इस बस का किराया कितना है, मतलब सीट का और स्लीपर का? सीट का किराया हम 500 रुपया लेते हैं जी, स्लीपर का किराया 600 रुपया लेते हैं। ओके ओके, इस बस में अगर कोई लगेज भेजना चाहता है जैसे कि भुवनेश्वर से कुछ, कोई ब्लैंकेट हो गया या तो दूसरा कुछ उनका पर्सनल लगेज भेजना चाहता है, तो उसके लिए कैसा क्या सिस्टम है, उसके लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ता है या तो मतलब आपके ऊपर जो ट्रस्ट करके भेजते हैं कि क्या सिस्टम है, उसके बारे में जरा बताइए। फॉर्म वगैरह कुछ नहीं, लेकिन कस्टमर हमारे पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, और कस्टमर जो चीज़ देते हैं उनका हम मोबाइल नंबर रखते हैं, अगर भुवनेश्वर से कोई राउरकेला भेजता है हम उसका मोबाइल नंबर रखते हैं, जब राउरकेला पहुंचता है अगर कोई पैसेंजर रास्ते में अगर लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, उनका हम पहले से ही फ़ोन कर देते हैं, भैया आप यहाँ पर खड़े हो, हाँ खड़े हो, तो उनका नाम जब देते हैं, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर देखते हैं, हाँ सही है, इसके बाद हम देते हैं। अगर कोई पैसेंजर मतलब रास्ते में नहीं लेता है, अगर कोई अगर राउरकेला के स्टॉपेज में खड़ा रहा गाड़ी, इसके बाद हम उनको कस्टमर को फ़ोन करते हैं, भैया आपका सामान आया है, तो नंबर दिया होगा, हाँ पार्सल में तो नंबर नंबर रहेगा रहेगा जी जी, जो नंबर है इसमें फ़ोन करते हैं, भाई आपका चीज़ आया है आके ले जाइए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कहाँ गाड़ी खड़ा है, इधर गाड़ी खड़ा है राउरकेला बस स्टैंड में, यहाँ पर गाड़ी खड़ा है आपका, ये सामान जी। और कस्टमर भी मतलब ट्रस्ट हमारे पर ट्रस्ट करते हैं,
हाँ ट्रस्ट जी जी, और वो तो सबसे बड़ी बात है सर, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, दुनिया तो मतलब ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों मेरे ख्याल से सारे जानकारी मिल चुका है आपको, और दोस्तों कुछ भी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और दोस्तों इसमें मुझे खास बात ये लगा दोस्तों, इसमें आप बुकिंग जो कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन मोबाइल नंबर से सब बुकिंग कर सकते हो, पर दोस्तों इसमें जो चाय भी मिलती है दोस्तों, पैसेंजर्स को चाय मिलती है, मैं पहली बार सुना दोस्तों, क्योंकि इतना वीडियो कर चुका हूँ, ओडिशा के अंदर में ये फर्स्ट बस होने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल से और भी कहीं पे होता होगा तो मुझे नहीं पता, अगर किसको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें पानी बोतल के साथ साथ चाय भी पिलाया जाता है, तो दोस्तों जितने भी सफर करते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और इसमें सफर कीजिएगा दोस्तों, और अपना सफर का फीडबैक भी दीजिए। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए, ओके बाय बाय।